कोरोना संक्रमण के उपचार की आड़ में मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल प्रबंधन को लूट की क्या खुली छूट दे दी गई है। ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सिलसिलेवार वीडियो से हो रहा है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में प्रबंधन की मनमानी के आरोप फिर सामने आए हैं। आयुष्मान कार्ड पर रोगी के उपचार के शिवराज सरकार के आदेश को अस्पताल प्रबंधन किस दादागिरी भरे अंदाज में सिरे से खारिज कर रहा है, आप स्वयं सुनिए। This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April. Whenever the order has came, we have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video open karo. And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. Ki reason kya dena hai? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government, close the video and get out. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. सुना आपने? डॉक्टर की दादागिरी को देखा। डॉक्टर साहब पीड़ित को उठाकर अस्पताल के बाहर फेंकने का आदेश दे रहे हैं। चिरायू अस्पताल को लेकर अब एक और पीड़ित के दर्द को सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम योगेश बलवानी है। मेरी माता का नाम रुक्मणी बलवानी है। 19 अप्रैल के दिन मैंने अपनी मम्मी को चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था कोरोना इलाज के लिए। उस समय से लेके अब तक मैं हॉस्पिटल में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जमा कर चुका हूँ, जिसमें दवाइयाँ और हॉस्पिटल का खर्चा बाकी है। जब सीएम साहब का, शिवराज सिंह चौहान जी का खुद ऑर्डर आया था 6 या 7 मई के आसपास कि सारे हॉस्पिटल्स या जो भी लिस्ट में, गवर्नमेंट की लिस्ट में हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कोविड के इलाज के लिए, जिसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम क्लियरली साफ साफ मेंशन है। उसके बाद भी मैं पिछले लगभग दो हफ्ते हो गए हैं मैं चिरायू हॉस्पिटल के अकाउंट्स के बिलिंग के चक्कर काट रहा हूँ कि ये मेरी माता जी का, ये मेरे पिताजी का आयुष्मान कार्ड है, कृपया ये एक्सेप्ट करें। मेरे पास आपको देने के लिए और पैसे नहीं हैं। मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे हर हफ्ते कॉल आते रहे हैं कि हर हफ्ते में 4-5 कॉल आते रहे कि आप आज 1 लाख 2 लाख इतने पैसे इस दवाई के उस दवाई के जमा करवाते रहे। मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। अब 2 दिन पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने वहां के मैनेजर, जिनका नाम है गौरव बजाज, उनका मेरे पास वीडियो भी है, मैंने जब उनसे पूछा कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को जो करना है करने, हमने गवर्नमेंट को जवाब दे दिया है। ये बात सुनने के बाद मेरी उनसे काफी झड़प हुई। उन्होंने मुझे धक्के देकर, उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, धक्के देकर मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया है। मृदुभाषी ने इन मामले को लेकर चिरायू अस्पताल का पक्ष जानने के लिए अस्पताल के मालिक अजय गोयनका को कई बार फोन लगाया, लेकिन उनका मोबाइल फोन नो रिप्लाई होता रहा। उधर रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मीडिया ने घेर कर केंद्र सरकार के कार्ड को खारिज करने संबंधी कई सवाल किए तो तोमर ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चिरायू प्रबंधन से बात हो गई है। वहीं इस मामले को गरमाता देख चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका ने वायरल हुए वीडियो को लेकर सफाई भी दी। वीडियो वायरल करने वाला लड़का की मां 19 अप्रैल से एडमिटेड है चिरायू मेडिकल कॉलेज में। सरकार का ऑर्डर 7 मई को आया है। 7 मई के बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज ने आयुष्मान बेनिफिशरीज के आने वाले हर पेशेंट को एडमिट किया है और कई पेशेंट आज भी चिरायू मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, जिसमें मॉडरेट सीवर निमोनिया, माइल्ड निमोनिया और इवन आज एक पेशेंट का सीजर सेक्शन भी आयुष्मान बेनिफिशरी का किया गया है। मुझे खेद है कि एक सोशल वर्कर ने जो बात मेरे नाम से कही है वो गलत है। आज भी चिरायू मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान स्कीम के तहत पेशेंट एडमिटेड है और जब तक मेरा एनपेनलमेंट आयुष्मान स्कीम के तहत रहेगा तब तक चिरायू मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स आयुष्मान बेनिफिशियरी के आगे भी एडमिट होते रहेंगे। ये वीडियो पार्शल कट करके बनाया गया है। मुझे खेद है
कि ये वीडियो चिरायू मेडिकल कॉलेज के नाम से चल रहा है, मैं इस वीडियो का खंडन करता हूँ। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। बहरहाल अब अस्पताल की मनमानी का सरकार पर क्या असर देखने को मिला है, ये तो वक्त ही बताएगा। मृदुभाषी के लिए भोपाल से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।